तो आओ हिमाचल घर से घूमें। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीरें हैं आज 19 फरवरी 2022 की, जो कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखो, ये है बिल्कुल सॉफ्ट बर्फ, और ये हिमाचल में डलहौजी के पास जो डैन कुंड रोड है हमारा, उस रोड की तस्वीरें हैं ये। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी हाइट के बराबर यहाँ पर जो है ये पूरा पहाड़ है ये बर्फ़ का। ये आप लोग देख सकते हैं, ये देख लो, बर्फ ही बर्फ है। इस बार हिमाचल प्रदेश डलहौजी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने के लिए मिलेगी। अगर आप लोग जो है हिमाचल प्रदेश डलहौजी की तरफ घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये जो तस्वीरें अभी आप लोग देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं डैन कुंड रोड की। तो ये देख लो, अभी मैंने ये लक्कड़ मंडी से ऊपर थोड़ा सा चलना स्टार्ट किया तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ है। तो अभी जो है 5 किलोमीटर ये ऊपर तक सड़क जाती है, और 5 किलोमीटर के बाद 1.5 किलोमीटर और पैदल चलने के बाद ऊपर हमारा पोहलानी माता का टेम्पल आता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, बर्फ़ और ज़्यादा हमें अधिक जो है देखने के लिए मिलेगी। ये देख सकते हैं आप लोग, तो अकेले जा पाना भी आगे आसान काम नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं से वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे खजियार रोड की तरफ जाना है। वहाँ पर कितनी दूर तक जो है वो सड़क खुल चुकी है, उसी को देखने मैं जा रहा था। तो मैंने सोचा, चलो बहुत सारे लोग हैं, उनको जानना है कि डलहौजी में बर्फ़ ख़त्म तो नहीं हो गई है, तो उन्हीं के लिए जो है यहाँ तक मैं थोड़ा आया हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश जिला चंबा डलहौजी डैन कुंड की। तो डैन कुंड की भी नहीं, ये लक्कड़ मंडी ही बोल सकते हैं, क्योंकि डैन कुंड यहाँ से और अभी जो है लगभग 3 किलोमीटर और ऊपर है। तो मैं ये 1.5 किलोमीटर ही ऊपर तक आया हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, सड़क के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, और बर्फ़ के ऊपर जो है गाड़ी चला पाना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फिसलन होती है। तो अभी आने वाले जो अगले महीने हैं, मार्च और अप्रैल, उन दिनों में जितने भी टूरिस्ट डलहौजी हिमाचल प्रदेश खजियार की तरफ घूमने आएंगे, उन लोगों को इतनी ज़्यादा जो है ये बर्फ़ देखने के लिए मिल सकती है। ये आप लोग देख सकते हैं, दोनों तरफ जो है ये बर्फ़ की दीवार लगी हुई है, और बीच में ये मैं चल रहा हूँ। तो इस रास्ते में अभी तक गाड़ी चलाना, ये जो सड़क है इस सड़क के ऊपर अभी तक गाड़ी चलाना जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क है। आप लोग देख सकते हैं, दोनों तरफ बर्फ़ के पहाड़ हैं, बर्फ़ की दीवार है, और जो सड़क है रोड के ऊपर भी जो है बिल्कुल बर्फ़ है। अभी जो मैं चल पा रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही संभल कर जो है ये चलना पड़ रहा है। अगर मैं बहुत ज़्यादा स्किट हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फिसलन है इस रोड के ऊपर, और ये आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ जो है ये बर्फ़ की दीवार लगी हुई है। ये आप लोग जो तस्वीरें अभी देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश डलहौजी डैन कुंड रोड की। तो इस वक्त मैं लक्कड़ मंडी से ऊपर जा रहा हूँ, ये देखो, बर्फ़ ही बर्फ़ है, चारों तरफ जो है बर्फ़ ही बर्फ़ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, गाड़ी लेकर जो स्लिप हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो गाड़ी लेकर यहाँ तक आ पाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। ये जो अभी आप लोग तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश डलहौजी जिला चंबा डलहौजी लक्कड़ मंडी से डैन कुंड की तरफ जो रोड जाती है, उस रोड की। तो ये आप लोग देख सकते हैं, दोनों तरफ जो है ये बर्फ़ के पहाड़ हैं। ये जो दोनों तरफ दीवार आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दीवार है दोनों तरफ बर्फ़ की, ये कोई मिट्टी की दीवार नहीं है। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये बर्फ़ की दीवार है, और आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये 5 से 6 फुट जो है इसकी हाइट है। तो आने वाले और ज़्यादा अधिक दिनों में अभी आप लोग जो हिमाचल प्रदेश की तरफ
घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और अगर आप लोग डलहौजी की तरफ आते हैं तो आप लोगों को कुछ ऐसी ही बर्फ़ जो है वो आने वाले आगे दिनों में देखने के लिए मिल सकती है। देखते हैं, मेरी हाइट के बराबर जो है यहाँ पर सारी बर्फ़ है, ये आप लोग देख सकते हैं। और इस रास्ते के ऊपर अकेले जा पाना भी बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो अगर आप लोग आने वाले आगे मार्च या अप्रैल महीने में डलहौजी का प्रोग्राम बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अधिक उन दिनों में भी बर्फ़ जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये है आज 19 फरवरी 2022 की तस्वीरें जो कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं। तो मुझे आगे खजियार रोड को देखने के लिए जाना है ताकि कितने दिनों में जो है डलहौजी से खजियार की तरफ जो है लोग जा पाएंगे। तो डैनकुंड यहाँ से और भी अभी 3 किलोमीटर ऊपर है, तो उस तरफ तो मैं फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और मैं अकेला आ रहा हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं तस्वीरें हिमाचल प्रदेश डलहौजी से। प्रदेश में आप लोगों को ये देख लो, बर्फ ही बर्फ है, ये पूरी बर्फ ही बर्फ है। ये देखो, बिल्कुल सॉफ्ट बर्फ है। आप लोग इसमें खेल भी सकते हैं, ये देख लो, जो मर्जी आप लोग कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश डलहौजी जिला चंबा डैनकुंड रोड की। तो डैनकुंड रोड के ऊपर इस वक्त जो है ये अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। रोड आपके सामने है, इस रोड के ऊपर अभी भी गाड़ी चला पाना जो है वो आसान नहीं है। तो ये काफ़ी दिनों तक आने वाले आगे महीनों तक जो है ये बर्फ़ रहने वाली है। तो अभी अगर आप लोग मार्च या अप्रैल में हिमाचल प्रदेश डलहौजी की तरफ का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ये बर्फ़ देखने के लिए मिलेगी। तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। मार्च और अप्रैल में जो टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश ज़िला चंबा डलहौजी की तरफ घूमने आएंगे उन लोगों को कुछ ऐसी ही बर्फ़ जो है देखने के लिए मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। आओ हिमाचल घूमें। अगर किसी भी भाई को हिमाचल डलहौजी चंबा खजियार की तरफ घूमना है तो आप लोग हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोगों की रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, घूमने की व्यवस्था वो सारी जो है हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। आप लोगों को कैंपिंग करना है, मड हाउस में रुकना है, होटल में रुकना है, गेस्ट हाउस में रुकना है, डलहौजी में रुकना है या डलहौजी से आगे कहीं गांव में रुकना है, सारी व्यवस्था हमारे पास अवेलेबल है। आजकल अगर आप मनाली की बात करें तो मनाली में लोग सिसु विलेज हो गया, केलोंग हो गया या लाहौल स्पीति हो गया, तो लोगों का रुझान जो है आजकल गाँव की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप में से भी कोई लोग गाँव में विलेज टूर करना चाहते हैं, जो ऑर्गेनिक फूड होता है उसको खाना चाहते हैं, जो हिमाचली फूड होता है उसको खाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9418007673। तो अगर आप लोग हमारी टीम के साथ घूमना चाहते हैं और हमारे टूर प्लान के साथ घूमना चाहते हैं तो हम आप लोगों को घुमा भी सकते हैं।